सो होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे हैं और पूरी शिद्दत से मेहनत से अपने ड्रीम जॉब के लिए लगे हुए हो। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है जो स्पेशली जो दरोगा का प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। देखो, दो तीन बातें आपको एग्जैक्टली याद रखना है अगर आप दरोगा निकालना चाहते हो। ये चैनल जो है स्पेशली अगर आप चाहते हो दरोगा आपको निकालना है, सबसे पहले इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी जिस तरीके से भी दरोगा हमने निकाला, चाहे वो दरोगा हो चाहे ESI हो, ठीक है, उसका प्रॉपर गाइडलाइंस आपको यहाँ दिया जाता है, दो बार दरोगा और एक बार ESI। देखिए, सबसे पहला पॉइंट, बहुत लोग जो भी आप कहीं भी कोचिंग ज्वाइन करोगे, ठीक है, मेनली अभी आपको जो फोकस कराया जा रहा होगा वो आपको GS पे कराया जाएगा। बट अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है, डेट मीन्स आपको मेरिट में आना है, तो एक चीज़ आपको याद रखना है, वो है आपका मैथ्स एंड रीजनिंग। क्योंकि जब आप प्री निकालोगे, जो कि आप निकालोगे, अगर आप डेडिकेटेड कैंडिडेट हो, आप ड्रीम डोज से पढ़े हुए हो, तो डेफिनेटली कि आप निकालने वाले हो, तो अभी से ही मैथ्स रीजनिंग पे अपना कमांड करना है। क्योंकि अगर आपको मेरिट बनाना है, मैं फिर से बता देता हूँ, अगर आपको मेरिट बनाना है तो आपको मैथ्स एंड रीजनिंग आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। क्योंकि फाइनल जो मेरिट आपका बनेगा वो मैथ्स रीजनिंग से बनेगा, क्योंकि मैथ्स में एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस एवरेज मानिए, और हो सकता है क्योंकि ESI में उससे ज़्यादा था। तो पहला पॉइंट जो आपको कोई नहीं बताएगा वो यही है कि आपको मैथ्स रीजनिंग अभी से स्ट्रॉन्ग कर लेना है, क्योंकि मेंस के बाद आपका जो दिमाग होगा वो आपका फिजिकल पे भी होगा, प्लस आप ये सोचोगे कि GS और अच्छे तरीके से पढ़ा जाए, क्योंकि उसमें अब डीपली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और मैथ्स आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मैथ्स रीजनिंग अभी से स्ट्रॉन्ग कर लेना है। दूसरा पॉइंट, आपको क्या करना है कि करंट अफेयर्स को आपको कभी नहीं छोड़ना है। जैसा कि हमने आपको बताया है, डिनर, ठीक है, चाहे ब्रेकफास्ट जैसे खाते हो उसी तरीके से आपको कंटिन्यूअस, ठीक है, आपको करंट करना है। क्योंकि आपका कोई भी एकेडमी आप कहीं भी ज्वाइन कर लोगे, आपको करंट वो सिर्फ देंगे, आपको पढ़ना खुद ही है। बट अगर आप ड्रीम डोज से जुड़े हो तो हम सिर्फ आपको करंट करवाते नहीं, करंट आपको दिमाग में ड्रिल्ड कर दिया जाता है। तो प्री प्लस मेंस दोनों में, स्पेशली अगर मैं प्री का बात करूं तो पूरा जान है दरोगा का। तो याद रखिएगा, करंट अफेयर्स को कभी मत छोड़िएगा और अपने तरफ से आप एफर्ट दीजिए। क्योंकि कोई भी कोचिंग, जितने भी कोचिंग है, आपको वो सिर्फ प्रोवाइड कर सकते हैं, याद कोई भी नहीं करवा सकता, याद आपको खुद ही करना पड़ेगा, एफर्ट आपको खुद ही डालना पड़ेगा। और सबसे जो फाइनल चीज वो है आपका फिजिकल आपको अभी से ही स्टार्ट करना है। डेट मीन्स हर दिन आप 1 किलोमीटर दौड़िए अगर आप दरोगा बनना चाहते हो तो, नहीं तो आप मेरी तरह, ठीक है, आप प्री भी निकाल लोगे, मेंस भी निकाल जाओगे और फाइनली फिजिकल आप नहीं निकाल पाओगे। क्योंकि आपको वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर रहना है, क्योंकि पता नहीं वो कितना दिन आपको देंगे, ठीक है। तो ये तीन बातें याद रखिएगा। चैनल का जो हमारा जो स्टेटस जो हम व्हाट्सएप पे डालते हैं उससे आप जरूर जुड़ जाएं। इस बार भी BPSC में टोटल आपका 8 क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको स्टेटस से मेरे आए थे, तो आप नीचे में लिंक दे दूंगा व्हाट्सएप का, आप जरूर जुड़ जाइएगा और स्टेटस आप फॉलो करते रहिएगा, ठीक है, नंबर सेव कर लीजिएगा। सो साइनिंग ऑफ, जय हिंद।